नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। खबर यूपी की राजधानी लखनऊ से है, जहां आईटी स्थित विवेकानंद पॉलीक्लिनिक एवं आयुर्विज्ञान संस्थान के प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग द्वारा आज यानी 19 जुलाई को सुबह 8:30 बजे से शाम 5 बजे तक सजीव लेप्रोस्कोपिक ऑपरेटिव कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का प्रसारण संस्थान के प्रथम तल स्थित सेमिनार हॉल में किया गया। बता दें, कार्यशाला का आयोजन यूपी चैप्टर IAGI के तत्वाधान में तथा यूपी चैप्टर IAGI के अध्यक्ष डॉ. नूतन जैन के संरक्षण में किया गया। इस कार्यशाला में बेसिक से लेकर एडवांस केसों सहित 4 लेप्रोस्कोपिक सर्जरी का संचालन नलबाड़ी असम के प्रख्यात लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर यशोधन डेका तथा इटली और फ्रांस से प्रशिक्षित प्रख्यात लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर सोनू सिंह द्वारा किया गया। वहीं इस आयोजन में संस्थान प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग की विभागाध्यक्ष डॉक्टर वैशाली जैन, परामर्शदाता डॉक्टर सोनिका गौर शामिल रहे। बता दें, इस कार्यशाला में लखनऊ और आसपास के शहरों से लगभग 60 स्त्री विशेषज्ञों ने पंजीकरण कराया था और कार्यक्रम के दौरान शामिल रहे। कार्यशाला में बुनियादी लैब हिस्टेरेक्टॉमी और एंडोमेट्रियोसिस जैसी कठिन लेप्रोस्कोपिक केसों के संचालन के बारे में जानकारी प्राप्त की। वहीं कार्यशाला को लेकर वहां के विशेषज्ञों ने क्या कुछ बताया, सुनिए। इस समय हम राजधानी लखनऊ के विवेकानंद स्वामी पॉलीक्लिनिक में हैं। यहाँ पर एक दूरबीन विधि के द्वारा ऑपरेट करने का सिस्टम बताया जा रहा है। एक वर्कशॉप यानी कार्यशाला का आयोजन किया गया। हमारे साथ ज़्यादा बात करने के लिए इस हॉस्पिटल के HOD हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानकारी लेते हैं कि मैम, किस तरीके का वर्कशॉप आज यहाँ पर किया जा रहा है और इससे पेशेंट को क्या लाभ मिलने वाला है? ये देखिए, ये जो आज हमारा वर्कशॉप है कि ये लाइव वर्कशॉप है दूरबीन विधि द्वारा ऑपरेशन, और इसमें हमने मेनली फोकस करा है एंडोमेट्रियोटिक पेशेंट्स पे। एंडोमेट्रियोसिस आजकल एक कॉमन प्रॉब्लम हो गई है, चाहे वो यंग पेशेंट हो चाहे ओल्ड पेशेंट हो। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये होता है कि बच्चेदानी के अलावा आसपास के चीज़ें भी इन्वॉल्व होती हैं, जैसे अंडाशय में गांठ हो जाएगी, बच्चेदानी का साइज़ बढ़ जाएगा, लैट्रिन का रास्ता बच्चेदानी से चिपक जाएगा, या जो नलें होती हैं पेशाब की या पेशाब की थैली, उसमें भी ये एंडोमेट्रियोसिस स्प्रेड होता है। तो इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी। और हम लोग यहाँ पे जो इकट्ठा हुए हैं, मेनली हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो सभी लैप्रोस्कोपिक सर्जरी करते हैं, बट एंडोमेट्रियोटिक सर्जरी इज़ एन एडवांस सर्जरी। तो हमारे डिपार्टमेंट में हम लोग ये एंडोमेट्रियोटिक सर्जरी कर रहे हैं, और हम लोगों ने डॉक्टर यशोधन जो हैं, ही इज़ फ्रॉम नीलबारी उड़ीसा, वो आए हैं ऑपरेटिंग फैकल्टी। और हमारे यहाँ की जो डॉक्टर सोनू सिंह हैं, उन्होंने फ्रांस से जाके ट्रेनिंग ली है और वो दोनों लोग ऑपरेट कर रहे हैं, और बहुत सारे इंटरेस्टिंग केसेस भी हमने रखे हुए हैं। और मेन चीज़ ये है कि ये प्लेटफॉर्म ऐसा है कि यहाँ पे बिकॉज सर्जरी एक्सटेंसिव है, इसमें टाइम भी लगता है, और रिजल्ट्स मैटर करते हैं कि कितना एक्सपीरियंस डॉक्टर है, कितना स्किलफुल डॉक्टर है। और हमारे यहाँ ये फैसिलिटी है और इट इज़ एट द अफोर्डेबल रेट। मैं ये नहीं कहूँगी कि फ्री है या कम वो है, लेकिन बट डेफिनेटली एट एन अफोर्डेबल रेट एज कम्पेयर टू अदर हॉस्पिटल्स। मैम, क्या समानता है, जैसे पहले सर्जरी में पहले पूरा पेट को पहले खोला जाता था, अब इस सर्जरी और उस सर्जरी में क्या अंतर होगा, और क्या इसमें जान का जोखिम कम है? देखिए, जान का जोखिम तो मैं नहीं कहूँगी, बट डेफिनेटली आपका जो ऑपरेटिव टाइम है वो कम है। एक पूरा चीरा लगेगा 10 सेंटीमीटर का, 5 सेंटीमीटर का, तो उसमें रिकवरी टाइम ज़्यादा होगा जो ओपन सर्जरीज होती हैं। तो ओपन सर्जरी से दूरबीन विधि द्वारा जो सर्जरीज होती है उसमें ब्लड लॉस कम होता है, रिकवरी रेट फास्टर होता है, और पेशेंट अपना काम जो होता है, मतलब उसको लगेगा ही नहीं कि उसकी सर्जरी हुई है, सेकेंड डे या थर्ड डे हम उसको डिस्चार्ज कर देते हैं और उसको वो अपना कार्य कर सकता है। और प्रोसीजर जो ओपन सर्जरी में होता है सारा वही होता है, अगर बच्चेदानी निकालनी है, अंडाशय निकालने, सारी चीज़ें इस सेम, एक्सेप्ट कि वो जो इंसीजन है वो हम छोटे छोटे इंसीजन 5 मिलीमीटर या 1 सेंटीमीटर तक के इंसीजन से हम लोग ये सर्जरी परफॉर्म करते हैं, और विद एक्सपर्ट हैंड्स डेफिनेटली कॉम्प्लिकेशंस आर वेरी लेस। तो जो ओपन सर्जरी में कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं वो इसमें भी हो सकते हैं, बट अगर स्किल सर्जन है और तो वहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस आर वेरी लेस।
क्या मुख्य उद्देश्य इस कार्यशाला के आयोजन का, जो भी रहा, जो ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा, क्या है पूरा? देखिए, एक महत्वपूर्ण एक अनुष्ठान चल रहा है, क्योंकि लैप्रोस्कोपिक वर्कशॉप फ्रॉम रिनाउंड गायनेकोलॉजी सर्जन्स, ये जो अब जानते हैं कि जो माताओं को जब चीर चीर पर होता है तो साधारण प्रक्रिया से, तो इसमें जो ओपन सर्जरी में चीर लगाना पड़ता है, पेट को खोलना पड़ता है, एवं ये अनेक जो रिकवरी में समय भी लगता है और पेशेंट को तकलीफ भी होता है, अभी वर्तमान जो शैली है वह है दूरबीन से ये सब कर्म किया जाता है। उसमें कल 1 सेंटीमीटर का 2 छेद बनाया जाता है, उसमें से फाइन नीडल्स को भीतर में प्रवेश करा के सब कुछ किया जाता है कंप्यूटर के माध्यम से। लेकिन ये अत्यंत मॉडर्न टेक्निक है और ये सबको इतना जानकारी नहीं है। ये विवेकानंद में हम लोग इसका भगवान की कृपा से जानकारी हुआ है, हम लोग कई सालों से कर रहा हूँ, यहाँ प्रभावी सर्जेंस है। ये हम लोग एक परिकल्पना किया जो हम जानते हैं, सबको साथ साझा करें और ये जो शैली है ये हर जगह में हो जाए ताकि आम जनता का फल बहुत सफल हो जाए। इसलिए आज हम जो देवेंद्र डे का एक गुवाहाटी से एक टॉप सर्जन, भारत विख्यात सर्जन को बुलाया, क्योंकि हमारे जो विवेकानंद के डॉक्टर सोनू सिंह, ये दोनों मिल के ऑपरेशन कर रहे हैं ओटी में, और उसका साथ लाइव इंटरेक्शन जो वीडियो स्ट्रीमिंग चल रहा है हमारा सेमिनार हॉल में, उन लोग लाइव दिखा रहे हैं कि इसे ऑपरेशन किया जा रहा है, इन लोग प्रश्न कर रहे हैं, उसको उत्तर दे रहे हैं, ताकि ये एक सिखाने का प्रक्रिया है। तो अगर हमारा जो विद्या है हम उसको साझा करते हैं, सबको सिखाते हैं, हमारा भी विद्या में और बढ़ोतरी होता है। तो आप सबको मदद करने से, स्वामी विवेकानंद कहते हैं वही जीते हैं जो औरों के लिए जीते हैं, हमारा सब समय ये प्रकल्प रहता है कि हम सबको कैसे मदद कर सकें। और ये जो शैली है, वर्तमान जो तकनीक है वो भी हम साझा करते हैं ताकि उन लोग भी अच्छा है, उन लोग भी बढ़े, उन लोग की बढ़ोतरी से हमारा स्वयं का बढ़ोतरी होगा। सर, आज का जो वर्कशॉप हुआ है, ये ऑपरेशन जिस तरीके से हो रहा है, कितना सफल रहा? ये परिपूर्ण रूप से सफल है, क्योंकि हम लोग की 50 जो रजिस्टर्ड पंजीकृत जो सर्जन आए थे, आज भी सुबह 15 सर्जन रजिस्ट्रेशन पंजीकरण किया, और उन लोग सब बैठ के सीख रहे हैं और सब कुछ सीख रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं, और ये अपना अपने स्थान में जाके इसको फिर करें। हम लोग ये सोचा है कि एक बार वर्कशॉप में नहीं होगा, बारंबार इसी करना पड़ेगा ताकि इस अंचल में इस प्रकार का उन्नत सर्जरी आम जनता को मिल जाए। लखनऊ से सीनियर संवाददाता रितेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। जाहिर है संस्थान इस तरह की कार्यशालाएं समय समय पर आयोजित करता रहता है, वहीं इस कार्यशाला से सीखने के बाद डॉक्टर और बेहतर तरीके से अपने अपने क्षेत्रों में मरीजों का इलाज करते हैं, जिससे मरीजों को लाभ मिलता है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।